हर घर फौजी योजना का शुरुआत यूपी के पहले भर्ती से हुआ। और यहाँ के बंदे बोल रहे हैं कि टाइमिंग नहीं दिया जा रहा और बेमानी किया जा रहा है, तो ऐसे होगा तो नहीं होगा। और प्रेस को अंदर अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके ऊपर एक सवाल है। और टाइमिंग पूरा पूरा 5:45 मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही गलत है। हमारे प्यारे भाई जो है बरेली डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, भाई टाइमिंग के ऊपर बता कुछ। टाइमिंग किसी को 5:28 का दे रहे थे, किसी को 5 का दे रहे थे, किसी की तो 4:60 में ही बंद कर दे रहे थे। यदि 5:45 मिलता तुम्हारा रेन निकलता कि निकल जाता आराम से है? निकल जाता आराम से। 5:45 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भैया, मिलना क्यों। ऐसे होगा तो हर घर फौजी होगा है, ऐसे टाइमिंग मिलेगा तो हर घर फौजी होगा। हाइट का भी था, पहले बोला था 1.70, 1.73, 1.74 वाला। हाँ 1.73, हाँ कमी 1.73 वाले को नहीं पास कर रहे हैं। 1.73 है तब भी बाहर, 1.72 भी बाहर, 1.73 मिल रहे थे। राजनाथ सिंह बोले थे कि हर घर फौजी होगा, क्या लगता है हर घर फौजी होगा? ऐसे नहीं होगा, बेमानी से नहीं होगा, बेमानी से बात ही होगा। 5:10 क्या लगता है हर घर फौजी होगा? राजनाथ सिंह बोले थे ऐसे टाइम मिलेगा तो। और 5:45 मिलता तो कौन को रनिंग निकाल देता? 5:45 समेत बताओ ना, 5:45 में कौन कौन निकाल दे रनिंग? 5:45 मिलता तो रनिंग निकाल देते। मुंह में जवाब नहीं है। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से टाइमिंग दिया जा रहा है। ये फतेहगढ़ का रहा, और भी बहुत से एयरो जैसे उत्तराखंड में भर्ती चला, पंजाब में भी चला, हरियाणा में भी चला और बेंगलुरु में भी चला। अलग अलग एयरों में अलग अलग टाइप से जो कि भर्ती कराई जा रही है, लेकिन कहीं पे भी युवाओं का यही कहना है कि सबका एक ही बात है कि समय ढंग से नहीं दिया जा रहा है। अब क्या सच्चाई है, क्योंकि अंदर में प्रेस को जाना अलाउड नहीं है, तो इसकी वजह से सच्चाई जो है कि क्लियर नहीं हो पा रही है कि समय कितना दिया जा रहा है और कितना टाइमिंग दिया जा रहा है। कोई कहता है 5:20 दिया जा रहा है, कोई 5:30 को, तो कोई बोलता है 4:50 दिया जा रहा है। अब किसकी बातों को माना जाए। चलिए इतना ही कहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए।